जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड ऑफ नाइन्थ इंग्लिश। वेलकम इन माय लेक्चर चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इज इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंसिडेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स कॉजेज। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। जैसा हमने अंतिम क्लास के अंदर जो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टडी की और उसके साथ साथ उसके क्या कारण थे उनके बारे में भी स्टडी की, उसके परिणाम में क्या हुआ था। एज वी एवरीवन नो, द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एलाइड नेशन एंड एक्सिस। एलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन। और एज वी नो 1970 में रशिया चला गया, बट हियर अमेरिका एंटर्ड इन एलाइड नेशन एंड एलाइड नेशन बिकेम पावरफुल। और अगर एक्सिस नेशंस की बात करें तो जर्मनी वॉज वेरी पावरफुल इन द प्राइमरी, है ना। ही वॉन मैनी रीजन्स। ओके, उसने देखो प्रारंभिक समय में तो क्या कर दे दिया, सब काफी कुछ उसने विजय प्राप्त की, बट जैसे ही एंट्री अमेरिका की हुई इस एलाइड नेशन के साथ में, तो फिर यहाँ जर्मनी को घुटने टेकने पड़े। और एटलीस्ट वहाँ का जो केजर वॉज एबिक्टेड पोजिशन एंड रैन अवे, और जर्मनी सरेंडर टू एलाइड नेशन एंड साइन टू द सीज फायर ट्रीटी एंड वॉर केम टू एंड। और युद्ध का अंत हुआ और उसमें एक्सिस नेशन से तो उसमें हार गए। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो एज वी इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब देखो अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो इसका डिस्ट्रक्शन तो होगा डिस्ट्रक्टिव, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। डिस्ट्रक्शन माने तबाही, तबाही किसकी हुई, ह्यूमन की और मटेरियल की। 4 साल तक युद्ध चला था, इसके अंदर कई लोग मारे गए, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि पॉइजनियस गैस की वजह से, टैंक की वजह से कई संख्या में लोग मारे गए युद्ध की वजह, फिर मटेरियल भी खत्म हो गया। तो एक देखा अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर। कितने लोगों ने, 6.5 करोड़ पीपल ने इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ वर इंजर्ड एंड अराउंड 70 लाख वर रेंडर परमानेंटली हैंडीकैप। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, 1 करोड़ लोग मारे गए, 70,000 लोग घायल अवस्थाओं में, मतलब वुंडेड हो गए, इंजर्ड हुए। और इसके बाद में टू करोड़ पीपल इंजर्ड हुए, जिनको कई तरह की चोटें लगी, और जो 70 लाख पीपल्स थे दे परमानेंटली हैंडीकैप, वो हैंडीकैप हो गए। वापस एक बार ध्यान रखना, 6.5, ठीक है, करोड़ पीपल, 6.5 करोड़ पीपल ने पार्टिसिपेट किया या इन्वॉल्व हुए इस युद्ध के अंदर, उसमें से 1 करोड़ डाइड, 1 करोड़ की मृत्यु हुई, ठीक है। पहले पूरे का वापस से सही कर लें,
कम से कम 70 लाख पीपल, ठीक है, दो टू ये हमारे यहाँ हैंडीकैप, ठीक है, हैंडीकैप हुए, और कम से कम 2 करोड़ पीपल इंजर्ड, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि 1 करोड़ पीपल की डेथ हुई, मारे गए युद्ध के अंदर, 70 लाख पीपल हैंडीकैप्स हो गए, और इसके बाद में 2 करोड़ पीपल इंजर्ड हुए। तो इस तरीके से मोस्ट नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, कई इसकी वजह से मरे, भूखमरी की वजह से, एंड कई एपिडेमिक, कई बीमारियों की वजह से इनकी मृत्यु हुई। द ब्रोकआउट आफ्टर द वॉर, वॉर के युद्ध की शुरुआत के बाद में द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, और अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए पहला जो हमारा यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, मतलब लिख सकते इस पॉइंट को डिस्ट्रक्शन मेन एंड मटेरियल। दूसरा सोशल चेंजेस आया, ठीक है। अब सोशल चेंजेस के अंदर क्या था कि ड्यूरिंग द वॉर सिंस मेजोरिटी ऑफ मैन, देखो आज युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसने किया था, मैन ने किया था, टू ऑल नेशंस ओके एंड वेयर नॉट ऑन वार फ्रंट वुमन शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। अब ये जो जब युद्ध के अंदर जब मेन गए तो बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार को पालने की और कमाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज में वुमन के लिए आई। एंड दे स्टेप्ड टू देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टू कवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड, और उन्होंने देखो घर पे भी रहे, घर का काम भी किया, और उसके साथ साथ कई ऑक्यूपेशन को उन्होंने स्वीकार किया, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें स्वीकारना पड़ा। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बींग इक्वलेंट टू द मैन इन चांस, अब देखो ये मैन की तरह उनको एक इक्वलिटी, समानता की बात आई, और कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेंस एक्सरसाइज फॉर फ्रेंचाइज वॉज रेज, देखो उस समय फिर वोट देने का अधिकार उसको मिल गया, है ना, मांग उठने लगी। और ड्यूरिंग द वॉर प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स बेसिस नेसेसिटी हैड रिड्यूस, जो आवश्यक की वस्तु थी वो कम हुई, अनावश्यक वस्तु जो होती थी बेसिक की वस्तु बढ़ने लगी। सो प्रॉब्लम लाइक स्कैर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉक्स आउट एक्सेट्रा रेज देयर हेड्स एंड पीपल सफर्ड अ लॉट, टू चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। अब देखो इस कंडीशंस के अंदर क्या क्या है, सोशल चेंज के अंदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के साथ आएगा, क्योंकि नंबर मैनी नंबर्स ऑफ मेल डाइड इंजर्ड हुए, और फिर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहे युद्ध में, है ना, 1914 से 1919 तक चला, और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से देर वॉज स्टारवेशन, भूखमरी बढ़ने लगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने लगी, देर इज इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द रेट्स, स्टारवेशन, पॉवर्टी इंक्रीज। सो दिस इफेक्ट चेंज द सोशल समाज के अंदर ये एक बड़ा परिवर्तन आया। नाउ थर्ड पॉइंट द ट्रीटीज ऑफ वर्साई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साई जो बाद में जा करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक खतरे की घंटी बनी। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी, अब जर्मनी सरेंडर करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर की वजह से उसे क्या करना पड़ा, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ अलाइड नेशन एंड ब्रॉट द एंड ऑफ वॉर। अब जब उसने अलाइड नेशंस के सामने सरेंडर किया तब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। देन द अलाइड नेशन अंडरटूक द पीस प्रोसेस इन पेरिस, और तब अलाइड नेशन ने एक प्रोसेस रखा, पीस प्रोसेस, शांति की स्थापना करने के लिए इन पेरिस, इन विच सम 58 कमीशन वेयर फॉर्म, और जिसके अंदर 58 कमीशन वर फॉर्म एंड 145 सेशन वॉज ऑर्गेनाइज। इस पेरिस प्रोसेस के अंदर 58 तरह के कमीशंस बनाए गए एंड 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी, और ये जो एग्रीमेंट हुआ वो किसके साथ हुआ, जर्मनी के साथ, ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस
वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्साइल। और ये देखो कहाँ पे किया गया था, ध्यान रखना ये जो प्लेस था विच वॉज मेड इन द मिरर पैलेस, मिरर पैलेस एट वर्साइल, दस इट इज नॉन एज द वर्साइल ट्रीटी। ये फ्रांस के वर्साइल सिटी के अंदर एक पैलेस, मिरर पैलेस के अंदर इसको इंडिकेट किया गया, जो सो दैट दिस इज कॉल्ड, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। देयर वेयर फोर प्रोविजंस इन ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब यहाँ तीन तरह के यहाँ पे प्रोविजंस थे, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द प्रोविजन इन दिस ट्रीटी। फर्स्ट वन द एंड ऑफ वार एंड वॉर फाइन, सबसे जो पहला था कि रीजनल अरेंजमेंट, फर्स्ट वन इज द रीजनल अरेंजमेंट, सभी क्षेत्रों का जो युद्ध की वजह से बिखर गए थे, जो हड़प लिए गए थे, उन सबको वापस से रीजनल अरेंजमेंट करना। सेकंड रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड डिसआर्मेंट, सेकंड जो दूसरा निर्णय लिया गया उसमें आर्मी को रिडक्ट करना, कम करना, और ट्रूप्स डिसआर्मेंट हथियारों की कम करना, डिक्रीजिंग करना, एंड द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेंस एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। अब अंतिम जो अरेंजमेंट था कि जो भी कमी हुई है वार वॉर के लिए फाइन बता देना, एंड अदर कुछ और प्रोविजंस रखे गए। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, अब इसके बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लिमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो थे उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लिमेंको और इटालियन के प्रेसिडेंट ऑरलैंडो ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल खेला। जर्मनी वॉज फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और युद्ध के लिए जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल समझा था। ए वॉर फाइन ऑफ, कितना वॉर फाइन लगाया, 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी, जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड इम्पोज किए गए, एंड इट हैड गिव अवे द रूल टू द फ्रांस, फ्रांस को उनका मेन जो पार्ट था रूल वो फ्रांस को देने पड़ा। द राइन रिवर हैड टू ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, और वहाँ की जो राइन रिवर थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ओपन करनी पड़ी, एंड द राइन लैंड रीजन ऑफ फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग ए फोर्टेस एज वेल एज मिनरल रिच रीजन वॉज गिवन अवे टू फ्रांस फॉर 15 ईयर। इसके अतिरिक्त देखिए फ्रांस को रू के आसपास के जो क्षेत्र थे या कुछ मिनरल वाले क्षेत्र थे वो 15 साल तक फ्रांस को देने के लिए बात कही गई। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वार कॉन्फिस्केटेड, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको कॉन्फिस्केट करके स्थगित कर दी, उनको हटा दी गई। अलास्का एंड लॉरेंस वार रिटर्न टू द फ्रांस, फ्रांस के दो जो प्रांत ले लिए गए थे उन प्रांतों को भी उसे वापस देना पड़ा। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज गिव द फ्रांस टू अदर एलाइड नेशन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन, इसके बाद में जर्मनी को एलाइड नेशन और फ्रांस को कोल और आयरन देना पड़ा। एनुअली एंड बेनिफिट्स ऑफ वॉर, जर्मनी वॉज मेड द साइन दिस टर्म कंडीशन ऑन द गन पॉइंट। ये पूरी की पूरी जो ट्रीटी थी, पूरी की पूरी संधि की जो शर्तें थी वो जर्मनी को एक बंदूक की नोक के ऊपर से उसे करवाया गया। एंड देयर वॉज बिटरनेस एंड डेस्पेरेशन अमंग द जर्मन, और इन सभी चीज़ों ने को जर्मन लोगों के लिए एक बिटरनेस, कड़वापन और उनको अपसेट कर दिया, और कंसिक्वेंटली जर्मन इकोनॉमी फेल मिजरेबली। और इस तरह देखिए एक बहुत बड़ा बदला लिया गया है ना, और ये जो बदला था कि वहाँ की जो जर्मन की इकोनॉमिक थी वो ख़त्म हो गई। जैसा हमने शुरुआती दौर में पढ़ा था एक्सपांसन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे जर्मनी के, और वो जर्मनी ने अपने ट्रेड को एक्सपांस करने के लिए व्हाट डिड ही डू इज वी एवरीवन नो, उसने अपनी सस्ती वस्तुओं को अपने
मार्केट में उतारा, जिससे इंग्लैंड एंड फ्रांस का जो ट्रेड था वो ब्रोकआउट हुआ। और इसके बाद में उसने फ्रेंच के ऊपर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के अंतर्गत दो सेंटर सिटी ले लिए। तो अब इसका बदला फ्रेंच ने अच्छी तरीके से है ना उठा लिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अब इस लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर क्या है, देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ रिवेंज इन सिंगिंग द ट्रीटी विद द नेशन दैट डिफीटेड इन द वॉर। और जो युद्ध के अंदर हार गए थे ऐसे कंट्रियों के साथ एक रिवेंज की भाव उत्पन्न हुए। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद द ट्रीटी, लेकिन इस ट्रीटी से कोई शांति की स्थापना नहीं हुई। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन ए प्लेस, है ना, जो रशिया के साथ था उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। एंड लीग ऑफ नेशन, अमेरिका डिड नॉट जॉइन लीग ऑफ नेशन एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड द रीजन फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इज इन पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा ये लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट रहा कि वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापना के लिए यहाँ पे लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब लीग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होने में ये शांति प्रक्रिया के लिए बनाया गया था, लेकिन तकलीफ क्या हुई कि इसके अंदर देयर इज नो गिवन द प्लेस ऑफ रशिया, रशिया को कोई स्थान नहीं दिया गया, अमेरिका में इसने कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो ये जो प्रोसेस था वो मतलब इफेक्टिव नहीं हुआ और आगे बढ़ने वाले समय में ये एक घंटी मतलब कारण रहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रशियन रेवोल्यूशन विच अकर्ड इन 1917। तो द रशियन रेवोल्यूशन 1917 इज द कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में जो रशिया के अंदर जो रशियन रिवोल्यूशन हुई थी 1917 के अंदर वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था। द रशियन हैज़ बीन ऑप्रेस एंड सप्रेस बाय जार ऑफ रशिया, रशिया के लोगों को दबाया गया था किसके द्वारा, आज तक उसका बहुत ऑप्रेस एवं सप्रेस किया गया जार शासकों के द्वारा। द रशियन जार हु इनहेरिटेड द पोजिशन वर डिटेक्टर्स एंड एंजॉय द अनकंट्रोलेबल रूल ओवर पीपल। अब ये जो रशियन जार थे जो शासन जो पोजिशन पे थे वो इनहेरिटेड थे और उन्होंने डिटेक्टर और पूरे अनकंट्रोलेबल एंजॉय किए और ये जनता को यातनाएं देकर। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस, लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। द जार्स वर सो क्रियल, जार बहुत ही क्रियल थे, पीटीलेस दयाहीन थे। पीपल दैट इफ एनीबडी डिमांड फॉर एनी राइट्स, यदि डिमांड करते थे किसी राइट्स की वो डिमांड अधिकारों की मांग करते थे तो ही वॉज टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाता था, सप्रेस एंड सीवियरली पनिश्ड और कंडेमंड टू बी द बोन चिलिंग डेड कॉल्ड टू द साइबेरिया। और ऐसे जगहों को उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था और उनको कहाँ भेज देते था, साइबेरिया में ठंडी में। दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव जार्डम बिकेम द रीजन फॉर ग्रीप पॉवर्टी एंड सफरिंग अमंग द पीपल। इस अनकंट्रोलेबल जार्डम के द्वारा किया गया अनकंट्रोलेबल ऑप्रेस क्या बन गया आगे जाने के लिए, ग्रीप पॉवर्टी और सफरिंग बन गई लोगों के लिए। रशियन फार्मर लेबर एंड पीजेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम, और यहाँ के लोगों को किसानों को लेबर को अच्छी इनकम प्राप्त नहीं होती थी डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड हार्म वर्क करने के बाद में, एंड दे बिकेम वेरी पुअर। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गिपन ए लार्ज रैली वॉज टेक आउट टू द जार रेसिडेंस। अब जार रेसिडेंस में क्या हुआ, वहाँ पे फादर गोपेन के नेतृत्व में एक रैली की गई विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 ऑन संडे। दीज पीपल वर अनआर्म, ये सभी लोग अनआर्म थे। वाई सम पीपल हैड द जार पिक्चर इन द हैंड विद द कैप्टन्स लाइक लॉन्ग लिव द लिटल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया।
इस तरह उनके ऊपर स्लोगन लिखे हुए थे, रिटन ऑन इट द जार आर्मी ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीपल। उन निर्दोष जनता के ऊपर जार के आर्मी ने उनके ऊपर फायर कर दिया, बिकॉज विच थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, और उसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। एंड शो टू पेटर्सबर्ग वेयर द जार पैलेस वॉज सिचुएटेड टर्न इन रेड विद ब्लड। हजारों लोगों की संख्या की बढ़ने की वजह से जो पीटर्स है ना पेटर्सबर्ग जार का जो पैलेस था वहाँ चारों खून से लथपथ हो गया। और दिस डे इज नॉन एज ब्लडी संडे, है ना, इस संडे को हम ब्लडी संडे के रूप में कहा जाता है इतिहास के अंदर। एंड अराउंड दिस ए लार्ज नंबर ऑफ रशियन गॉड प्रोवोक्ड एंड बिकेम रेस्टलेस एज वीकनेस ऑफ द ज़ार्डम एंड बिकेम ऑब्वियस व्हेन द स्मॉल नेशन लाइक जापान डिफीटेड मैसिव नेशन। अब इसके बाद में वहाँ की जो जनता थी काफ़ी उनसे परेशान थी राजाओं रशियन के राजा सब, क्योंकि एक छोटे से जापान जैसे देश ने भी उसको हरा डिफीट कर दिया था। और रशियन जापान वॉर हुआ था 1904 से 1905 के अंदर। इन ऑर्डर टू पॉलिसी ऑफ एंग्री रशियन अनाउंसमेंट टू कॉल द डुमा लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहाँ की संसद को बुलाया गया, एंड विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर, कई वर्षों से उसे बुलाया ही नहीं गया था, वॉज मेन इवेंटली फॉर सच डुमा वर कॉल्ड, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। लेकिन कोई इस पर कोई डिसीजन लिया जाए उससे पहले ही उसको क्या कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया, खत्म कर दिया गया। ऑन 8 मार्च 1917 को द ऑप्रेस्ड वर्क ऑफ पेटरगढ़ कॉल्ड स्ट्राइक की पेटरगढ़ में द जार सेंड हिज ट्रूप्स, और उस समय जार राजाओं ने अपनी सेनाओं को भेजा कंटेन दिस इवेंट, खत्म करने के लिए इस इवेंट को, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस दोज पीपल, लेकिन उन लोगों के ऊपर राजा आक्रमण करने के लिए मना कर दिया। एज ए रिजल्ट द रिवोल्यूशन बिगेन, और इसकी वजह से वहाँ पे रिवोल्यूशन शुरू हुआ। आफ्टर द फॉल ऑफ जार्डम द पावर फेल इनटू हैंड ऑफ द केरेंस्की लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप। अब देखिए जैसे ही जार्डम जार राजाओं का शासन का अंत हुआ, और उसी समय यहाँ पे जो लीडर जो मेंशेविक ग्रुप का जो लीडर था जो माइनॉरिटी का उसके हाथ में आ रहा। एक्सपेक्ट द लेनिन, एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी, ठीक है, सभी लोग लेनिन को छोड़ करके बाकी सभी लोग वहाँ खुश थे। फॉल ऑफ जार, जार शासन का जैसे ही अंत हुआ, बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एज प्रोपोगेटेड बाई कार्ल मार्क्स, जैसे कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रोपोगेट हुआ है व्यक्ति लेनिन ने ज़्यादातर ध्यान जो दिया वो लेबर्स के ऊपर थी। एंड मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडल क्लास, जबकि मेंशेविक ग्रुप किसमें बिलीव करता था, वो डेवलपमेंट ऑफ द मिडल क्लास। एज ए रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट मेंशेविक के अगेंस्ट में गया, और इन नवंबर 1907 डिक्लेयर द फाइनल रिवोल्यूशन को फाइनल किया गया, एंड गोर्ड द रेंस ऑफ द हैंड, और उस कमान को उसने अपने हाथ में ले ली। दिस केम टू बी नोन एज सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन, इसको हम बोल्शेविक रिवोल्यूशन कहते हैं। द 300 साल ओल्ड जार्डम केम टू एंड, एंड द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट जार, और जार शासक के बिना था जो 300 साल से वहाँ पे। अंत में लास्ट पॉइंट हमारा है द लीग ऑफ नेशन विच वॉज इस्टेब्लिश ऑन 10 जून 1920। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उसका जो परिणाम था दैट इज एट वेरी डिस्ट्रक्टिव मैन एंड मटेरियल, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ था, स्टारवेशंस है ना, चारों पीसलेस हो गए थे। तो इन ऑल कंडीशन द पीपल ऑफ वर्ल्ड वांटेड टू पीस। अब ये विश्व समुदाय के अंदर सभी लोग क्या चाहते थे, एक लंबे युद्ध के बाद में सभी को शांति स्थापित की जरूरत थी, शांति की जरूरत थी। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू वर्ल्ड पीस, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ए नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ड, और ऐसा थोड़ा मन में ऐसा हुआ कि ऐसी आवश्यकता की पड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन हो।
सो इट बिकेम ए नेसेसरी टू डू द एक्टिविटी इमीडिएटली अबाउट द वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस के बारे में कोई एक्टिविटी की जाए. द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंटली इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वुड्रो विल्सन ने, और द 14 पॉइंट सजेस्टेड बाय 14 पॉइंट सजेस्ट किए वुड्रो विल्सन वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस. पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर उसने 14 पॉइंट रखे थे ऑन 10th जनवरी 1920 एंड द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म. इस तरह एक शांति स्थापना के लिए विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की विच द नेम लीग ऑफ नेशन. अब एम क्या थे, व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस? तो देखिए, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, विश्व में शांति की स्थापना करना उसका मुख्य उद्देश्य था. एवरी नेशन टू रेस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशन, हर राष्ट्र दूसरे अपने राष्ट्र का रेस्पेक्ट करें और उसकी इंटीग्रिटी की का सम्मान करें. टू गिव अप द वार पॉलिसी, वार पॉलिसी का छोड़ देवे. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को वो डेवलप करें. टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द निगोशिएशन एंड मीडिएशन. अब नाउ नेक्स्ट था दो इंटरनेशनल लेवल पर, मान लो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसे शांतिपूर्वक और निगोशिएशन के माध्यम से उसका समाधान करें. इफ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशन और इट्स मीडिएटर, अगर वो उसके मीडिएटर और लीग नेशन के कोई कंट्री लीग ऑफ नेशन के रूल्स को नहीं मानता है तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड रिबेल नेशन, उसको विद्रोही राष्ट्र घोषित किया जाए. तो द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश द वर्ल्ड पीस के लिए हमने इसको एस्टेब्लिश किया, बट डिड नॉट मैनेज टू कीप कंट्रोल ओवर द इंपेरियलिस्ट पॉलिसीज. तो इंपेरियलिस्ट पॉलिसी रखने वाले देशों के ऊपर वो कंट्रोल नहीं किया, सुपर पावर. एंड इन 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. और इस तरीके से यू फाइंड माई स्टूडेंट हियर वी फिनिश द चैप्टर नंबर 2. तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने जो स्टडी किए उसमें थे, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन एंड लीग ऑफ नेशन. व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और इसको क्यों बनाया. तो जय श्री स्वामीनारायण. राइट द क्वेश्चन and answer of this following chapter.